नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म UBM क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योमेट्री के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। ज्योमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये जो होते हैं ना दोस्त, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई सी भी लेवल की परीक्षा हो, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का बहुत ही बड़ा अपना रोल होता है। हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते रहते हैं और रीजनिंग लगाते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ज्योमेट्री को एक तरीके से दरकिनार कर देते हैं, एक तरफ कर देते हैं। तो ज्योमेट्री को हमें हल्के में नहीं लेना है और उसको भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है दोस्त, तो आज हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। आइए दोस्त, शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूरक कोण, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण, इसी को क्या बोलते हैं, कोटिपूरक कोण। ठीक है दोस्त, अब इसको कैसे समझें, इसको देखिए। जैसे कि एक ये मान लीजिए फिगर दिया गया, आपको चित्र दिया गया, ये कोण दिया गया है। ठीक है, अब माना कि हमने, ये है आपका एक्स एंगल और ये है आपका वाई एंगल। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो एक्स का कोटिपूरक होगा, एक तो हमने बता दिया, इन जो कोणों का योग कितना होगा, इन कोणों का योग होगा आपका 90, यानी एक्स प्लस वाई होगा आपका 90। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, एक्स जो है, अगर ये कोण एक्स है तो एक्स का कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस वाई। क्यों, एक एक्स होगा, अगर यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, हमेशा 90 होगा, और जो एक अगर कोण एक्स है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस वाई, यानी ये एक्स कोण हो गया और एक्स का कोटिपूरक कोण कौन हो गया, 90 माइनस वाई। अगर हम यहाँ पे दूसरे भाषा में समझना चाहें इसको, तो जैसे कि मान लो एक्स का मान 30 है तो 30 का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 60 होगा। अगर कोण 45 है तो 45 का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि 45 45 90, यानी कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, हमेशा दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए, तभी कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, ये कितनी बात हमारी कोटिपूरक कोण की। अब हम जान लेते हैं समपूरक कोण को, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं समपूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं, संपूरक, हिंदी दोस्त देख लेना, संपूरक कोण। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है दोस्तों, अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि यानी दो कोणों का योग आपका कितना होना चाहिए, 180, जबकि इसमें जो कोटिपूरक कोण था, कम्प्लीमेंट्री एंगल था, उसमें दो कोणों का योग कितना होना चाहिए था, 90। ठीक, अब देखिए समपूरक कोण, समपूरक कोण की अगर हम बात करें तो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। कैसे, मान लीजिए कि ये कोई एक कोण है, ठीक, ये आपस, ये एक एक्स कोण हो गया और ये आपका वाई हो गया। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, हमेशा इसका दोनों का योग होगा 180, जब हम बात करेंगे किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण की, तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180। ठीक है, अगर 180 होगा, अगर एक कोण x है तो दूसरा कोण आपका इस, यानी x का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस वाई। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना है, 180। ठीक है, तो इस x का संपूरक कोण कितना होगा, 180 माइनस वाई। ठीक है, अब दूसरी भाषा में जैसे ऐसे समझो, जैसे कि अगर इसका मान लीजिए मान कितना है, 60 है, हम पूछे, कोई हमसे पूछे 60 का संपूरक कोण बताओ, तो 60 का संपूरक कोण क्या होगा, 120। यहाँ पे मान लीजिए हमें दे दिया गया
कि 40 का संपूरक कोण बताओ। तो 40 को क्या करेंगे, 180 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 140। यानी 40 का संपूरक कोण क्या होगा, 140। यानी कि इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा दोस्त, इन दोनों का योग हमेशा कितना आना चाहिए, हमेशा 180 आना चाहिए। जबकि सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता था, इन दोनों का योग हमेशा कितना आता था, 90 आता था। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियोस पसंद आ रहा होगा और कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण को आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, अगर नहीं कोई डाउट है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, माना क्वेश्चन लगाते हैं, मान एक क्वेश्चन है क्या कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 यानी 1/3 है तो कोण बताओ। यानी कि क्या कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना है, 1/3 है तो 1/3 है तो कोण बताओ। तो अगर हमने मान लिया कोण कितना है, 3 है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा भाई। अभी हमने संपूरक कोण की बात की, देखिए यहाँ पे आप, अगर 3 संपूरक कोण है तो इसका संपूरक एक्स अगर कोण था तो एक्स का संपूरक कोण क्या था, 180 माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ पे अगर 3 इसका कोण है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 3। ठीक है, अब इसका रेशियो कितना दिया गया है, 1:3। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना है आपका, 3। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये आपका कितना है, 3। यानी कि 3 / 180 - 3 = कितना दिया है, 1/3। ठीक है, ये मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, अभी आपको शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा इसकी। ठीक है, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3 θ = 180 में कराएंगे तो 180 - 3 थीटा को इधर कर दो तो कितना होगा, 4 θ = 180। अब इसको क्या करो आप, थीटा निकालना है हमें तो 180 / कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से काटेंगे, 4 × 16, 2 × 4 = 20। यानी कि 3 का मान कितना आ जाएगा, यानी कि कोण ही तो हमसे पूछा था, तो कोण बताओ, तो कोण कितना आएगा, 45 °। कोण कितना आएगा, 45 °। क्या किया हमने, थीटा कोई कोण था तो उसका संपूरक कोण हो गया कितना, 180 - θ। अगर यहीं पे कह देता कि कोटि पूरक है तो कोटि पूरक होता अगर कोण तो 90 - θ करते, हमसे पूछा क्या संपूरक कोण, तो 180 - θ किया। रेशियो दिया गया 1:3 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो हमने वही काम किया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं, रेशियो देखो हमेशा दिया, इसमें रेशियो दिया गया 1/3, क्या दिया गया, 1/3, और हमें पता है संपूरक कोण कितना होता है, 180 का। ठीक है, तो देखो दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे 3 और 1, यानी कि ये कोण है आपका और ये आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है, एंगल है, और ये आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों को ऐड हमने बताया था कितना होता है, दोनों का ऐड होता है आपका 180। तो क्या करो, इसमें दोनों को ऐड कर दो तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 = कितना हुआ, 180। और यहाँ से हमें 1 का मान निकालना है, क्योंकि 1 θ बराबर क्या, θ = कितना है, 180, तो 1 का ही तो मान निकालना है। तो 4 × 16 = 20, यानी कि थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा का मान दोस्त आ जाएगा आपका 45। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ऐसे ही करके देखते हैं, ऐसे सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। इसमें मान लीजिए जैसे हम दिया गया था कोण कितना था, 1/3 था, अब हम इसमें करेंगे कोण कितना है आपका, कोण है मान लीजिए 2/3। क्या कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का 2/3 है, जो एक कोण है, एक कोण अपने कोण का, अपने कोण का कितना है, 2/3 है। तो कह रहे हैं एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना है, 2/3 है, तो कोण बताओ। ठीक है, क्या करना है आपको, शॉर्ट ट्रिक अभी हमने बताई थी, 2/3 है, 2/3 अगर है तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है कोण और ये होता है
कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण। तो दोनों का हेड कितना आता है दोस्त हमेशा, दोनों का हेड आता है आपका हमेशा 180। तो 5 इज इक्वल टू क्या हुआ 180। अब 5 1 इज इक्वल टू कितना आया, तो 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 3 15 5 6 30। लेकिन हमें मान किसका चाहिए, कोण का मान कितना है 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए है, तो 2 बराबर कितना होगा यानी कि 72। तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, कोण कितना आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से बताया, बेसिक से करना है तो सेम जैसे क्वेश्चन मैंने पिछला कराया वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक कोण का मान क्या है जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है। देखो अगर कोण का मान थीटा है, कोण का मान थीटा है, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो थीटा का कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस थीटा। अगर हम इसके संपूरक कोण की बात करें कि थीटा का संपूरक कोण क्या होगा, तो इसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, यानी जो संपूरक कोण बनेगा 180 माइनस थीटा, ये जो संपूरक कोण है, संपूरक कोण क्या है, कोटि पूरक कोण का कितना है 4 गुना है। तो सिर्फ उसको क्या करना है, 4 गुना कर देना है 90 माइनस थीटा, यानी ये कोटि पूरक कोण, संपूरक कोण कोटि पूरक कोण का कितना हो गया 4 गुना हो गया, दोनों का मान बराबर कर दिया। अब क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराना है, 4 करना 9 को 36, 360 माइनस 4 थीटा, थीटा को इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 3 थीटा, और इधर इसको कर दो कितना आएगा माइनस का 180 थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 18 60 डिग्री, यानी कोण का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट से भी कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका देख लो, ये तो था हमारा बेसिक, अगर हमें शॉर्ट तरीके से करना है तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है, इसका शॉर्ट मेथड अगर आपको देखना है तो देखो, अगर थीटा एक हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल, एक हुआ आपका सप्लीमेंट्री एंगल, अगर कंप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे इनके बीच में रेशियो कितना है, कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का कितना है, यानी कि जो संपूरक कोण है कोटि पूरक कोण का कितना है 4 गुना है, तो यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो कोटि पूरक कोण है 1 है, और सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कितना है 4 है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना होता है 90, यानी कि कोटि पूरक कोण और संपूरक कोण का डिफरेंस हमेशा कितना होता है 90 होता है, और 4 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 90, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30, यानी कि ये 30 जो निकल के आया है ये क्या आया आपका थीटा, यही निकल के आया थीटा। अब हमें चाहिए क्या है, हमें मान चाहिए किसका, इसके कोटि पूरक कोण का, तो 30 कम करेंगे 90 से, जब हम 30 कम करेंगे तो कितना आएगा 60, यानी थीटा मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यही होगा आपका 60, यहाँ भी आपका 60 आया और यहाँ भी आपका 60 आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, इसके बाद हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। अगर सेक्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि 60 का कोटि पूरक कोण बताओ, तो सभी बता देंगे। आपको क्या करना है, इस टाइप की जो है ना कुछ लेंथी टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है आपको, भाषा को समझना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है आइए देखते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, किसी कोण की कोटि पूरक कोण का 6 गुना, पहले तो कोण लिख लेते हैं, देखो कोण हुआ थीटा, इसका कोटि पूरक कोण क्या हुआ तो 90 माइनस थीटा, और इसका जो संपूरक कोण हुआ वो कितना हुआ 180 माइनस थीटा, ये तुम्हारे के 3 कोण। अब जो भाषा में कहता जाए उसके साथ में वो काम करते जाओ, किसी कोण के कोटि पूरक कोण का 6 गुना, तो कोटि पूरक कोण क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का कितना 6 गुना, ठीक, उसके संपूरक कोण के 2 गुने से, अब संपूरक कोण कितना है तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कोण के 2 गुने से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो यानी कि ये इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 12 है, यानी कि इसके 6 गुने से जो कोटि पूरक संपूरक कोण का 2 गुना कितना अधिक है तो
12 या अधिक है। अब क्या करना है आपको, सीधा सीधा इसको सॉल्व करने का, नचक का 54 यानी 540 माइनस 6 थीटा माइनस 18 दूनी 36 360 माइनस का 2 थीटा, देखो सॉरी माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस का होगा लेकिन ये आपका प्लस का हो जाएगा, अब बराबर 12 है। ठीक, ये 6 थीटा ये 2 थीटा है यानी माइनस का 4 थीटा, ये 554 है 360 है, तो आपके पास में यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास में 180। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 180 और उधर आपका है कितना 12, जब ये उधर जाएगा तो कितना होगा 4 माइनस का 4 थीटा इज इक्वल टू 168, वो भी किसका होगा माइनस का, माइनस माइनस को जब करेंगे क्या प्लस हो जाएगा, अब हम 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो थीटा बराबर आपका कितना आएगा, थीटा आपका आएगा 42 डिग्री, थीटा आपका आएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा कोण होगा, हमसे पूछा भी क्या था कि उस कोटिपूरक कोण का मान बताओ, तो कोण कितना आएगा आपका, कोण आएगा आपका 42 डिग्री। ठीक है दोस्त, ये थी हमारा क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। अगले सीजन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।